मैं हूं आपके साथ जहां और आप देख रहे हैं हेमंत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस वक्त की मुख्य खबर की ओर। सहरसा बिहार जिला ब्यूरो गौरव कुमार की रिपोर्ट। हर साल की भांति इस बार भी गणेशनाथ बाबा का पूजन आयोजन किया गया। श्री 108 बाबा गणेशनाथ गोविंद की 89वीं जयंती समारोह बलहाडी सहरसा में जिला कमेटी सहरसा के द्वारा मनाया गया, जिसमें 3 सितंबर 2021 को पूरे बाबा गणेशनाथ परिवार के भक्तगण शामिल हुए। श्री 108 बाबा गणेशनाथ गोविंद का हर साल के बाद इस बार भी हम लोग 89वीं जयंती समारोह मना रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए कोविड लाइन के अनुसार दिशा अनुसार सरकार का हम लोग सदा समारोह अर्पित किए हैं और हम लोग पूजा अर्चना किए हैं। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीताराम बाबू, सुपौल के हमारे अध्यक्ष अखिल भारतीय मध्य जिला रामजी बाबू, इसके बाद में हमारे वार्ड पार्षद मधेपुरा के सुनील बाबू और जितने भी पदाधिकारी गण सब यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों के बीच में हम लोग आज समापन हो रहा है। 2 दिन का कार्यक्रम था, 3 और 4 हर साल के बाद इस बार हम लोग मना रहे हैं। क्या नाम? मोहन प्रसाद शाह, जिला अध्यक्ष वैश्य सभा। अखिल भारतीय मधुदेशीय वैश्य सभा की ओर से और सहरसा जिला इकाई की ओर से विगत 43 वर्ष से लगभग 89 वर्षों से यहाँ पर जो सब चलते आ रहा है और इनकी प्रसिद्धि जो है सहरसा के बाहर बिहार से भी बाहर फैल चुकी है, इसलिए दूर दूर से यहाँ भक्तगण आते हैं और जो सही श्रद्धा भाव से बाबा के चरण में पहुँचता है उनकी मनोकामना श्रद्धालु होती रहती है, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के साथ आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में, नेपाल में, नेपाल के अलावा भी दूसरे देश में भी जो हमारे समाज के लोग बस गए हैं वहाँ गणेशनाथ बाबा की पूजा मनाते हैं। क्या नाम? मेरा नाम हुआ सीताराम शाह। जयंती समारोह में सुपौल जिला से आए हैं, पूरे सुपौल जिला के लोग हमारे श्रद्धालु के साथ हम लोग यहाँ पधारे हैं और हम लोगों का यहाँ बहुत ही काफ़ी अच्छे ढंग से स्वागत किया गया है। यहाँ हम हर साल हम लोग आते हैं और हर साल इस जयंती में समारोह में शामिल होते हैं। यहाँ दूर दराज ही नहीं, नेपाल के भी श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और आसपास के जितने भी जिला हैं, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया तक के श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं।